एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम देखेंगे एसिब्रोफाइलिन कैप्सूल के बारे में कि ये क्या होता है एसिब्रोफाइलिन कैप्सूल और इसके ब्रांड नेम क्या क्या, मतलब एसिब्रोफाइलिन के ब्रांड नेम कौन कौन से नाम से आते हैं, यूजेज मतलब इसका इस्तेमाल देखेंगे कि कौन कौन से डिजीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, साइड इफ़ेक्ट्स देखेंगे मतलब इसके खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हमको हो सकते हैं, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे कि ये हम बॉडी में काम कैसे करता है एसिब्रोफाइलिन जब खाते हैं, और डोज देखेंगे कि कितने कैप्सूल को लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसिब्रोफाइलिन कैप्सूल के बारे में देखेंगे क्या होता है। तो एसिब्रोफाइलिन जो कैप्सूल बिलोंग्स टू ऑफ क्लास ड्रग्स कॉल्ड ब्रांकोडायलेटर, प्राइमरली यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट सिम्टम्स ऑफ अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे COPD कहते हैं। मतलब कि ये जो एसिब्रोफाइलिन ऐसे क्लास से बिलोंग करता है जो कि ब्रांकोडायलेटर कहा जाता है। ब्रांकोडायलेटर क्या होते हैं, ब्रांको मतलब ब्रांकियल और डायलेटर मतलब डायलेट करता है। ऐसे ड्रग जो ब्रांकियल को डायलेट करते हैं उसे ब्रांकोडायलेटर ड्रग करते हैं, और किसके लिए यूज करते हैं, प्रिवेंट एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑफ द अस्थमा एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब कि अस्थमा और जो COPD के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं एसिब्रोफाइलिन कैप्सूल को। अब देखेंगे कि ये क्या क्या इसके नाम आते हैं। जैसे एसिब्रोफाइलिन जो कैप्सूल होता है वो तो सॉल्ट नेम है, बट उसके नाम जो होते हैं ब्रांड नेम में आते हैं। तो आपका ब्रोफाइल कैप्सूल आता है, और ब्रोफाइल SR भी आता है जो कि सस्टेंड रिलीज टैबलेट होता है जिसे, और मैकफाइलिन कैप्सूल होता है, और एबीफाइलिन कैप्सूल होता है, और एबीफाइलिन SR 200 टैबलेट होता है, मतलब AB-SR का मतलब कि सस्टेंड रिलीज टैबलेट होता है, और बिग ब्रो टैबलेट होता है। तो ये इसके जो एसिब्रोफाइलिन कैप्सूल है उसके ये सब ब्रांड नेम हैं। जो अगर आपको ये सब में से कोई भी मेडिसिन मिल जाए अगर उसमें एसिब्रोफाइलिन सॉल्ट रहेगा जैसे ये है, तो आप उस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब देखेंगे कि ये जो एसिब्रोफाइलिन कैप्सूल है उसमें हम लोग कहाँ कहाँ इसके यूज करते हैं। तो पहले अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं। तो अस्थमा में इस्तेमाल करते हैं, अस्थमा क्या होता है, एक जेनेटिक डिजीज होता है जिसमें कि जो एलर्जी से होता है, कोल्ड से जैसे हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो एयरवेज होता है वो नैरो हो जाता है, जिससे कि हमारा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो उसमें तो प्रोड्यूस होने लगते हैं जो एयरवेज होते हैं उसमें, और डिफिकल्ट होता है ब्रीथिंग में, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगता है, उसे अस्थमा कहते हैं। इसके बारे में पूरा वीडियो बन गया है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिए, डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट करके होगा उसमें प्लेलिस्ट, तो उसमें पूरा आपको ये मिल जाएगा कि कैसे अस्थमा होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं और क्या ट्रीटमेंट है। तो अब इसके ब्रांकोटाइटिस के लिए भी यूज़ कहते हैं। ब्रांकोटाइटिस क्या होता है, जो ब्रांकिटाइटिस क्या होता है, जो ब्रांकियल ट्यूब होता है उसमें सूजन हो जाता है, और जो ट्यूब होते हैं वो दो लाइनिंग में होते हैं, तो उसमें जो लंग्स एयरवेज होते हैं उनको जो से जाते हैं सूजन, उसमें सूजन हो जाता है तो सांस लेने में उसमें दिक्कत होने लगता है, तो इसे ब्रांकिटाइटिस कहते हैं। और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज पल्मोनरी डिजीज मतलब COPD में भी यूज करते हैं। COPD क्या होता है, एक ऐसा लंग्स डिजीज होता है जिसमें ब्लॉक हो जाता है एयरवेज, सांस लेने के दिक्कत होने लगता है, फिर इसमें ये क्या होता है कैसे स्मोक जैसे करते हैं तो उसके वजह से दिक्कत होता है। इसके बारे में पूरा वीडियो बन गया है, ये मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, तो देख सकते हैं। और लॉसिंग फ्लेगम म्यूकस, इसको जो यूज करते हैं कफ जो बलगम होता है उसको पतला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है एसिब्रोफाइलिन कैप्सूल का। अब इसके देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट मतलब कि हमें खाने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो एसिब्रोफाइलिन कैप्सूल होते हैं। तो ये क्या होगा, डिजीनेस चक्कर आ सकता है, डायरिया मतलब दस्त हो सकता है, और नौजिया जी मिचलाना,
और हार्ट बर्न मतलब सीने में जलन हो सकता है, और इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल्स काउंट मतलब जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको इंक्रीज कर देता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगता है इसको खाने से, ईचिंग खुजली हो सकती है इसे अगर खाएगी तो इसीलिए जब भी ये मेडिसिन लें तो डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हम लोग इससे साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। अब देखते हैं कि जो इस जैसे सिब्रोफाइलिन कैप्सूल होता है उसको हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी में ये काम कैसे करता है। तो ये जो सिब्रोफाइलिन कैप्सूल होता है ये म्यूकोलाइट एंड ब्रांकोडायलेटर होता है, जो कि म्यूकोलाइट मतलब म्यूकोस का जो डिक्रीज करता है, ब्रांकोडायलेटर मतलब जो ब्रांकियल होते हैं उसको डायलेट करता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है, ये जो हमारे एयरवेज होते हैं ब्लॉक हो गए होते हैं, जो ब्लॉक हो जाते हैं तो उससे अस्थमा होता है, तो ये जो मेडिसिन लेंगे तो उससे जो ब्रोंकियल होते हैं उसको जो कंजेस्टेड होते हैं उनको डायलेट करता है और फिर क्या करता है, वर्क बाय रिलैक्सिंग द म्यू मसल्स ऑफ द एयरवेज, जो एयरवेज के मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करता है, एंड आल्सो थिन लॉस ऑफ म्यूकस मेकिंग इट ईजियर टू ब्रेथ, मतलब इसको जो म्यूकस होते हैं उनको थिन मतलब पतला करता है, जिससे कि जो सांस लेने में हमको आसानी हो जाता है। तो हो गया कि हमारे बॉडी में कैसे काम करता है। अब इसके देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग जो फाइलिन कैप्सूल होता है उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो ये जो होता है पहले अपने से मेडिसिन ले लेना है, ये एडवाइज्ड बाई योर डॉक्टर, ये डॉक्टर के सलाह से ही मेडिसिन लेना चाहिए। स्वलो इट एज ए होल, मतलब क्या हो गया इसका कि ये जो टैबलेट और कैप्सूल होते हैं इसको पूरा निगल लेना होता है, इसको डू नॉट च्यू क्रश और ब्रेक, इसको पूरा स्वेल करना है मतलब कि करना है, इसको च्यू नहीं करना मतलब चबाना है तोड़ना नहीं है। जो कैप्सूल होता है टू बी टेकन विथ फूड, जो ये कैप्सूल होता है खाने के साथ लेना चाहिए, और ये जो अगर 100 एमजी की टैबलेट ले रहे हैं तो 100 एमजी की टैबलेट तो दिन में दो बार सुबह शाम लेना चाहिए, अगर 200 एमजी 400 तो डिपेंड करेगा डोज पे कि कौन सा डोज ले रहे हैं, तो इस हिसाब से उसका टाइमिंग रहेगा। तो जब भी मेडिसिन लें तो पहले डॉक्टर से सलाह लेकर जब वो जैसे प्रीफर करेंगे वैसे अब लेना चाहिए मेडिसिन। तो थैंक यू यहाँ तक बने के रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू।